तो इतना बन चुका है हमारा 1 किलो। ओ हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कितनी है स्नोफॉल हुई है, और कुछ ऐसा व्यू है पीछे, पूरा जुब्बल सुंडली विलेज बर्फ़ से ढक गया है और रोड में इतनी ज़्यादा बर्फ़ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये ब्लॉग, और ये ब्लॉग काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज धूप भी आ गई और व्यू भी काफ़ी अच्छा, तो चलिए शुरू करते हैं। फिलहाल अभी हम जा रहे हैं बर्फ़ साफ़ करने, यहाँ बाहर बहुत बर्फ़ पड़ी है तो उसे हम साफ़ करेंगे, तो चलिए चलते हैं। तो अभी हम ये बर्फ़ साफ़ कर रहे थे, आपने टाइम लैप्स देखी होगी, तो आप देख सकते हैं यहाँ से कम 1.5 फुट बर्फ़ पड़ी है और ऊपर अराउंड 3 फुट, और कुप्पड़ में बहुत बर्फ़ पड़ी है। कुप्पड़ में तो बहुत ही ज़्यादा बर्फ़ पड़ती है, कम से कम 9-10 फुट पड़ती है कुप्पड़ में बर्फ़। ये सामने ऊपर की चोटी है, सांस फूट रही है अभी थोड़ा ज़रा। ये पूरा यहाँ यहाँ तक भरा हुआ था, आपने रात वाली वीडियो में देखा होगा जो कल आई है। तो गाइस अभी चलते हैं यहाँ गाय के ओबरे तक, वहाँ की हमको बर्फ़ साफ़ करनी है, और व्यू बहुत ही अच्छा आ रहा है और सनराइज भी हो गया है। तो अभी हम सुबह उठे और बर्फ़ साफ़ करने जा रहे हैं अब, क्योंकि छतों पे बहुत बर्फ़ है तो ये टूट भी सकता है। जो ऊपर देख रहे हो आप, ये गाय का उबरा है, तो और व्यू बहुत ही अच्छा लग रहा है। बर्फ़ अराउंड कितनी फुट है, 3 फुट है ना, 3 फुट बर्फ है, ये देख सकते हो आप। ये बेलचा कितना डूब रहा है, तो चलते हैं ऊपर, कैन सी। चल भाई आगे, यहीं से करना है साफ, पहले यहीं से करना है। सो गाइस अभी हमने यहाँ पे गाय के लिए साफ कर, अभी गाय बाहर निकालनी है, धूप है थोड़ी और ऊपर तक भी नहीं जाया जा रहा है, मैं थोड़ा सा ही आया यहाँ तक, कितनी कितनी बर्फ है। तो व्यू व्यू बहुत ही जबरदस्त है गाइस, तो पाँव पूरे, और मैं शूज भी नॉर्मल लेके आया हूँ, नहीं डक बैग नहीं लेके आया मैं, खौफ बनी है उसके साथ साथ जा रहा हूँ। चलते हैं आगे तक, बहुत ज्यादा बर्फ है। So guys, अभी हम जा रहे हैं नीचे स्नोमैन बनाने, और मैंने ऐसे कुछ पन्नी लगा दी, देखते हैं ये वर्क करते हैं कि नहीं, बर्फ तो बहुत ज़्यादा है। तो अभी हम वहाँ नीचे ग्राउंड में जा रहे हैं, जॉर्डन को भी ले चलते हैं साथ में, फिर हमने ऊपर जाना है, वहाँ बगीचे पोखरी है, पोखरी बोलते हैं वहाँ को, विदान के बगीचे ऊपर। और ये हमारा दूध आ गया है, ऐसे मौसम में दूध पीने का मज़ा ही कुछ और है, तो फोटो ले लेते हैं, तो फिर पीते हैं दूध और मिलते हैं आपको छोटी सी ब्रेक के बाद। और अभी हम स्नोमैन बना रहे थे, कुछ ऐसा बना, स्नोमैन बना ही रहे अभी भी, स्टिल इन प्रोसेस। राजवीर एक बड़ा सा ढेर लेके आ गया, तो थक गए बनाते बनाते, रख दे। Thank you.
ट्राई कर रहे थे इग्लू बनाने की। अगर आप कभी मनाली साइड के होंगे तो वहाँ पे आपने देखा होगा बर्फ़ के शेल्टर टाइप बना रहे होते हैं। तो हमने यूट्यूब में कुछ वीडियोस देखी, तो मैंने यहाँ पे एक सर्कल बनाया, ठीक है। तो यहाँ से मैं बर्फ़ निकाल रहा हूँ और अब ब्लॉक्स बनाएंगे सिल्लियाँ बर्फ़ की, तो एक एक करके लगाएंगे। तो देखते हैं सक्सेसफुल हो पाते हैं कि नहीं। अभी स्नोमैन बनाया था वो तो सक्सेसफुल हो गए, अब देखते हैं हम बना पाते हैं कि नहीं। तो चलिए बनाते हैं। वो कुछ ऐसी शेप आ गई है इग्लू की, तो गोल तो बन रहा है ये, थोड़ा टाइम लगेगा हमको। तो चलो मिलते हैं, अब जब ये आधा बन जाएगा तो आपसे मिलते हैं। और अब हमारे इग्लू की शेप आ रही है धीरे धीरे, तो टाइम लग रहा है थोड़ा, पर हम बना देंगे। चलिए फिर करते हैं काम और बनाते हैं थोड़ा। तो ये है हमारा इग्लू हो गया, तो अभी आधा ही बना है, अब हम और बनाने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ ऐसा भी बन रहा है, इसको पूरा ऐसे गोल करना है। तो चलिए अब आप हम दिखाते हैं सीधा जब ये आधा सुना होगा। इस हम ऐसी बर्फ़ की सिल्लियाँ बना रहे हैं और इसको जब सीधा कर रहे हैं ताकि ये टिक जाए, गिरे ना। और एक बंदा वहाँ से वो ला रहा है बर्फ़ की सिल्लियाँ। तो अभी हमने छोड़ दिया था बनाना, इतना ही बना रहे थे हम, बट अब अचानक से वेदांत आया तो हम बना रहे हैं, इसको कंप्लीट कर लेते हैं, देखते हैं कितना बनता है। हमारे इग्लो अब शेप में आ रहा है, तो ये देख सकते हैं, यू कैन सी। और ये देखो, पहले हम थोड़ा गलत शेप में बना रहे थे, अब हम सही शेप में आ गया। हमें इसको तो टेढ़ा कर, इसको यहाँ डाल, इसको तो ऐसा कुछ बनाते हैं फिर। तो इतना बन चुका है हमारा इग्लो, ऐसा कुछ। और अब शेप आ रही है, हमने करा क्या, हमने ये पेटी सी लाई और इसमें बर्फ डाले गए तो एक शेप टाइप बन रही थी। तो अब इसको ऐसे ऐसे बनाते रहेंगे और फिर ये तैयार हो जाएगा, पर इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। तो अब ये व्लॉग आएगा, ये इग्लू कल बनेगा। तो वो अगर आपने इग्लू वाला व्लॉग पूरा देख रहा है तो कल फिट 9 बजे, नहीं परसों फिट 9 बजे वीडियो आ जाएगी, तो देखना मत भूलना। तो चलिए चलते हैं, लेते हैं अलविदा।